वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और अब के जो हमारे मेहमान हैं, मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, और चूंकि हमारी लाहौर न्यूज़ की सेकंड एनिवर्सरी भी है, तो आज के हमारे मेहमान बहुत ही खास हैं और हमारे सेट को आज शर्फ बख्शा है इन्होंने। अब मेरी बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि हम इनको अपने सेट पर बुलाएं और हम इनसे कन्वर्सेशन करें। बिल आखिर सेकेंड एनिवर्सरी पर मुझे ये मौका और मेरे लिए ऑनर की बात है कि आज मैं इनका इंटरव्यू करने वाली हूँ और इनसे ढेर सारी हम जरा बातें भी करने वाले हैं। अपनी ज़बरदस्त जो कह लेना मजाक की जो इनकी तबीयत है उसकी वजह से पॉपुलर भी हैं हर दिल अजीज़ी हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल अहमद साहब, उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। आप इतनी देर से क्यों सोच रही थी, बुलाया क्यों नहीं मुझे? कोई दरवाजा छोटा था, मेरा मुंह बड़ा था, क्या चक्कर? नहीं मतलब फिर भी सर एक बड़ा गेस्ट आ गया। मैं तो बड़े शौक से देखता हूँ ये आपका प्रोग्राम भी और ये लाहौर टीवी भी। वो जो कहते हैं ना जी के जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमे नहीं, मैं समझता हूँ कि जिन्हें लाहौर टीवी नहीं देखा उसकी आँख भी नहीं खुली। जागो लाहौर नहीं देखे, सुबह आपके प्रोग्राम से ही जागते हैं और आप वाकई जगा देती हैं दुनिया को और बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है। और आपको मुबारक हो, थैंक यू वेरी मच। इस सालगिरह पे बड़ी खूबसूरत तरीके से आप लेके आए हैं गाड़ी को और बड़ा ही प्यारा सफर तय किया आप लोगों ने। नो डाउट, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इतने छोटे अरसे में, इतने थोड़े अरसे में इतनी कामयाबी और इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी हासिल करना बहुत ही कामयाबी है, बहुत खूबसूरत कामयाबी। डेफिनेटली, और इसमें हम सबकी एफर्ट, सारी टीम, सारा स्टाफ, सारी मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व है और डेफिनेटली हमारे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट है कि आज हम सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर से तो आपकी बेतहाशा जो कह लें यादें होंगी, मेमोरीज होंगी। मुझे बेसिकली तो गुजरांवाला का समझते हैं और मैं हूँ भी, मैं हूँ भी, चूंकि पैदाइश मेरी गुजरांवाला की है। हाँ जी। मगर मेरी पैदाइश के फौरन बाद मेरे वालिद साहब की ट्रांसफर हो गई, वो पुलिस ऑफिसर थे, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। यहाँ गड़ी शाहू में वो SHO गड़ी शाहू लगे हुए थे, तो वहाँ पे एक अबू अल खैर हाई स्कूल था लड़कियों का, अभी भी है मेरा ख्याल, तो उसमें पहली दो तीन जो क्लासे हैं उसमें बच्चे भी मेल भी बॉयज भी थे, तो उसमें मैं फर्स्ट टाइम जिंदगी में जो स्कूल गया हूँ वो लाहौर में अबू अल खैर हाई स्कूल में गया हूँ। जबरदस्त। इसलिए लाहौर, फिर कुछ अरसा ही जो कॉलेज लाइफ है मेरी, हाई स्कूल भी वहीं वैसे तो गया मैं और कॉलेज लाइफ उधर गुजरी, उसके बाद फिर फौरन इधर आ गया हूँ, 81 से आया हूँ। तो लाहौर का के साथ जो वाबस्तगी है या रिलेशन है वो तो एक तरफ छोड़े, ये तो मशहूर है पूरी दुनिया में जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमया नहीं। बहुत से हमारे सरदार दोस्त इंडिया से आते हैं तो वो आके कहते हैं जी भाजी लाहौर इस गलो आए संग जाम भी पई है, क्योंकि सुनिया होया जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमया नहीं। हमारा एक दोस्त है बब्बू, सरदार है वो भी, तो वो पगड़ी शगड़ी बांधता है, कहते भाई, मैं कह भाई जी माशाल्लाह सैर सूर करने आए हो? कहते नहीं जी जमण आया मैं। सुनिया सी जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमया नहीं। मैं कहा मुबारक होवे, जम भी पे हो तो जमदे हैं, पग भी बननी है, पग वाला काका मैं पहली बारी देखा। तो वो ये शहर ऐसा ही है, इसी तरह का है कि जिसने जो भी इधर आया है ये इतनी खूबसूरत आवाम और इतनी खूबसूरत ये धरती है कि यहाँ पे आके फिर किसी का जाने को दिल ही नहीं करता। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो बाकी बड़े खुले दिल के, एक्चुअली खुले दिल के लोग हैं और बड़े प्यारे मेज़बान हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर बेहतरीन मेजबानी किसी ने देखनी है तो वो लाहौर आज। बिल्कुल ऐसा ही है, और लाहौर ही खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं हमेशा से लाहौर में रहा हूँ, बेशक आपकी पैदाइश गुजरांवाला की, दोनों सिटीज में खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। जी हाँ जी हाँ, लाहौर में मैं कहा करता हूँ कि गुजरांवाला में नो डाउट खाना बहुत अच्छा और गोश्त बहुत अच्छा, खास तौर चिड़े वहाँ के बहुत, चिड़े शिड़े ये वो, ये बारबेक्यू पहली जो शॉप मशहूर हुई थी पंजाब में वो गुजरांवाला की ही थी। बिल्कुल। तो मगर लाहौर का जो एक खासा है, यहाँ पे मैं अब 81 से हूँ, लाहौर इतना दरवेश शहर है कि यहाँ आप 10 रुपए की भी रोटी खा सकते हैं और 10,000 की भी खा सकते हैं। मतलब इसमें ये बड़ा पन है, खुला दिल है लाहौर का। जो यहाँ है वो भूखा नहीं सोता, जो लाहौर में है वो भूखा नहीं सोता।
जबरदस्त सर, आपका करियर आपने चूंकि मजाक भी है उसमें आपने नेगेटिव रोल भी किए और आपने संजीदा अदाकारी भी की, सबसे ज्यादा एंजॉय आपने किस चीज़? अच्छा अरमला, आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताऊं कि कॉमेडी मैंने कम की है, मेरा अगर टोटल वर्क देखा जाए कोई 125 के करीब मैंने सीरियल किया टेलीविजन का, उसमें 25 भी नहीं होंगे कॉमेडी रोल, ज्यादा नेगेटिव और संजीदा किरदार। हाँ जी, संजीदा कैरेक्टर हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह रहे हैं, जो कैरेक्टर मिला है उसको करने की कोशिश की है, क्योंकि हम थिएटर से वाबस्ता हुए आते ही यहाँ पे, जो उस वक्त पॉपुलर मीडियम था ये परफॉर्मिंग आर्ट का वो थिएटर था, और मस्ताना साहब मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे उनके साथ में यहाँ आया, शाहिद इजाज साहब हैं बड़े प्यारे डायरेक्टर गुजरांवाला में, उनसे स्टार्ट किया तो वो मस्ताना साहब उनका ड्रामा करने आए हुए थे, उनके ही बगल में घुस के मैं इधर आ गया। यहाँ फखरी अहमद साहब मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह ताला उनको जन्नतों में जगह दे, वफात पा चुके हैं, बहुत बड़े इंसान और बहुत बड़े एक्टर, उनकी छतर छाओं में आ गए, तो यहाँ पे आके ना जी तो बस यहीं के होके रह गए। यहाँ पे आके फिर इतना प्यार मिला, इतनी मोहब्बत मिली, इतनी मोहब्बत मिली कि हर चीज़ भूल गए। मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा सा भी गौर करें ना जी, किसी भी मीडियम में टेलीविजन थिएटर या फिल्म, आपको लाहौर से बाहर से आए हुए जो लोग हैं वो कामयाब नजर आते हैं। ये इतना प्यारा शहर है कि बाहर से आए हुए को आगे करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो थिएटर चूंकि स्टार्ट किया और उस वक्त थिएटर कॉमेडी थिएटर मशहूर था, ये अमानुल्लाह खान साहब का अरूज दौर, तो हम भी कॉमेडी में ही घुस गए। बेशक मैं थिएटर में भी संजीदा रोल करता रहा हूँ, मुनीर राज साहब एक ऐसे राइटर डायरेक्टर हैं बहुत बड़ा नाम है, वो मुझसे संजीदा रोल भी करवाते थे, इफ्तिखार हैदर मरहूम बहुत बड़े राइटर हुए हैं डायरेक्टर हुए हैं, उन्होंने अक्सर मुझसे करवाया संजीदा रोल। बल्कि मुझे याद है कि एक माफ करना दोस्तों ड्रामा था, तो एक इंतहाई संजीदा ईमानदार पुलिस ऑफिसर का उन्होंने मुझे रोल दे दिया, मैंने बड़ी आएं बाएं शाएं की, तो मुझे कहने लगे मुझे फिर बताओ मैं किससे करूं, उनकी मोहब्बत थी मैं जिसका भी नाम लूं कह दे उसका कद छोटा है फलां उसकी आवाज नहीं ठीक फलां उसका ये नहीं ठीक, वो करते करते उन्होंने मुझे वो रोल करवाया थ्रू आउट संजीदा रोल, बल्कि रोना धोना भी, और वो तो हर ड्रामे में होता है, कॉमेडी ड्रामा भी वाइंड अप जो होता था वो सीरियस किसी मैसेज में लपेटा हुआ होता था, उनका जो वाइंड अप होता था ड्रामों का वो करते रहे। अब चूंकि 11 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं ये दुनिया टेलीविजन के ऊपर, हमें अल्लाह ताला के फजलो करम से और उसकी रहमत से मोस्ट पॉपुलर शो हस्बे हाल करते हुए अल्लाह के फजल से, तो वो चूंकि उसमें कॉमेडी अंदाज है, मिमिक्री करनी होती है, तो लाइट मूड में लाइट वे में उसे करंट अफेयर्स को डिस्कस करना होता है, इसलिए लोग अब मुझे कॉमेडियन समझना शुरू हो गए। फिर हम कुछ सवाल अजीजी से करते हैं सुहेल अहमद की बजाय, आप हर सियासतदान का जो है रंग ढंग में आप ढल जाते हैं और फिर आप हर सियासतदान की मिमिक्री भी कर लेते हैं, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम होता है लोगों को हंसाना, ये एक मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, आप अपने जिस मर्जी फेज में आपने लोगों को हंसाना है। मैं आपको एक जुमला सुना देता हूँ जो मेरा ख्याल है कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है, क्रेडिट है, शाह महमूद कुरैशी साहब जिनका अंदाज जो है वो मेरा बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर है, तो मैं एक दिन एक होटल में अपने दोस्त सखी सरवर भाई हैं मेरे बड़े उनके साथ बैठे खाना खा रहा था, तो मुझे उन्होंने बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब आए हैं, मेरी बैग थी, तो मैं सच्ची बात है कि मैं घबरा गया यार इनका तो मैं बहुत देर और ये एक बड़ी ही संजीदा शख्सियत है और इनके तो मुरीद हैं बहुत से हैं, तो मैंने कहा कि आराम से खाना खाते रहो छोड़ दो उनकी तरफ ना देखो, तो शायद उनको किसी ने बताया या उनकी साइड से कोई नजर पड़ गई तो वो मेरी तरफ उठ के आ गए, वो मुझे अब सही सर्वर कह रहे हैं कि वो तो इधर ही आ रहे हैं, और मैंने कहा चुप कर जा आने दे छोड़ दे तू खाना खा, तो वो आ ही गए, तो आके उन्होंने मेरे कंधों पे हाथ रखा, मैं जल्दी से उठ के तो कहते हैं मुझे पता चला कि आप तशरीफ फरमा हैं, तो मैंने सोचा कि असली शाह महमूद से मिल लिया जाए, असली शाह महमूद से मिल लिया जाए, इतने क्यूट लगे इतने प्यारे लगे,
तो वो ये यूसुफ रजा गिलानी साहब मुर्शिद पाक उनकी धमाले डालते रहे हैं और अब भी डाल रहे हैं। उन्होंने भी बड़ा प्यार किया, हाँ। बल्कि उनका भी फिक्रा मेरे लिए इनाम था। मुझे कहने लगे कि जब से तुमने मुझे कहा है, हाँ। अब मुझे खानदान में भी और दोस्तों में भी हर बंदा, हाँ। मुर्शिद पाक कहता है, यूसुफ मेरा नाम गुम हो गया। तो ये चीजें जो है ये अल्लाह ताला की रहमत है। मैं समझता हूँ अगली बात यूसुफ रजा गिलानी साहब के अंदाज में बयान कर दें। हाँ, वो मैं ये जो तुमने किया है मुर्शिद पाक वाला ये अंदाज मेरा, तो अब मुझे सब मुर्शिद पाक कहना शुरू हो गए। तो ये मैं समझता हूँ कि अब मुझे कोई भी यूसुफ नहीं कहता। जनाब बातों के सिलसिले को जारी रखेंगे, वक्त ब्रेक का आप हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए जागो लाहौर।